हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद हम आज से शुरुआत करेंगे। उसको पहले थोड़ा भगवान का कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो बैठ जाइए। आज से हम लोग श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद शुरू करेंगे। अभी तक हमने प्रथम और द्वितीय स्कंद देखा, तो थोड़ा सा उसका हम एक रिविजन ले रहे हैं। तो भागवतम की शुरुआत में हमने देखा कैसे हमारे जो सुत गोस्वामी हैं उनको अच्छा आसन दिया जाता है 88,000 ऋषियों द्वारा, शौनक आदि ऋषियों ने, और उनसे प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने में हाँ वो बताते हैं कैसे कि श्रीमद्भागवतम की उत्पत्ति कैसे हुई, और परीक्षित महाराज जो सबसे पहली बार उन्होंने भागवतम सुना, वो कैसे पूरा संसार को जो राज्य छोड़ करके उनको एक श्राप मिल जाता है, उसके कारण वो छोड़ देते हैं और भागवत सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये सब डिटेल में हमने देखा है। कैसे व्यासदेव को साक्षात्कार प्राप्त होता है, उनको आदेश मिलता है उनके गुरु द्वारा कि कृष्ण के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में
एक पुस्तक लिखी एक, जिससे कि आम व्यक्ति शोक मोह भय से बाहर निकल सके। और उन्होंने साक्षात्कार में देखा कैसे माया देवी जो है भगवान की छाया के रूप में है, और फिर वही भागवत उन्होंने बनाया लिखा और वो अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को देते हैं जो कि उनके पुत्र भी थे। वहीं बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह भागवत सुनाते हैं। तो प्रथम स्कंद में सभी जो एक तरह से वो बिल्डअप हो रहा है पूरे भागवत के बारे में कैसे क्या चर्चा है। द्वितीय स्कंद में भागवत के यह सुखदेव गोस्वामी अपना प्रवचन बताते हैं कैसे अष्टांग योग विराट रूप सर्ग विसर्ग चतुश्रुति के बारे में, क्योंकि यही सब प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं। तो परीक्षित महाराज पहला दो प्रश्न पूछते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मैं समझना, कि हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और प्रमुखता जो व्यक्ति मरने वाला है जिसकी मृत्यु निकट है उसका क्या कर्तव्य है। तो भागवत संपूर्ण भागवत जो है इसी का उत्तर दे रहा है और हमको यह क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहा है हमको कि कैसे हम भगवान के धाम जा सके। तो हम तृतीय स्कंद में आएंगे, तो इसमें इसका तृतीय स्कंद के शुरुआत में ही विदुर जी का है संवाद मैत्रेय मुनि के साथ। मैत्रेय मुनि और विदुर का जो संवाद है बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा तृतीय और चतुर्थ स्कंद इसके ऊपर आधारित। तो यहाँ पे प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद जब जस खत्म होने वाला था तो वहां पर प्रश्न करते हैं इसके विषय में सभी स्वामीकालीन ऋषि थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आप कृपया विदुर का जो संवाद है विदुर मैत्रेय का संवाद है वो उसके विषय में बताइए। तो इस तृतीय स्कंद में पांच महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, पांच महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला जो है उद्धव और विदुर का जो संपर्क होता है संघ होता है वह उसके विषय में बताया गया है और कैसे उद्धव जी उनको मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं। मैत्रेय और विदुर का संवाद जब शुरुआत होता है तो सर्ग और विसर्ग यह पांचवें से बारहवें चैप्टर तक होगा। पहला जो है पहले चार अध्यायों में यह उद्धव का विदुर के साथ जो है संवाद होगा। और तीसरा जो है पाठ वह नौवां से लेकर के तेरहवें से लेकर के उन्नीसवें तक जो है बारह देव का लीलाएं वो होगा। उसके बाद कर्दम मुनि की का जो गृहस्थ जीवन है उसके विषय में बताया जाएगा 21 से 24 और आखिरी में 25 से 33 जो है भगवान श्री कपिल देव की शिक्षाएं उसका वर्णन होगा। तो भागवतम के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 47वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तुम्हें हे परीक्षित अब मैं तुम्हें पद्मकल्प के बारे में बताऊंगा। और जैसे ही वो प्रश्न करते हैं तभी शौनक आदि ऋषि जो है वो पूछते हैं कि कृपया हमको विदुर और मैत्रेय के संवाद के बारे में बताइए। तो सुध गोस्वामी यहाँ पे उसके विषय में बताना का शुरुआत करते हैं। क्या उन्होंने बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताया अब मैं आपको उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो कि परीक्षित के जो प्रश्न थे उस विषय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो तृतीय स्कंद के शुरुआत में पहला जो पांच पहला अध्याय है वह है विदुर का, विदुर द्वारा जो प्रश्न पूछे गए वो क्या थे। पहला श्लोक है श्री शुक उवाच एवत्मे परापृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेना त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो ये सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या बोला, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे विदुर ने अपना घर त्याग करके जो है विदुर का जो त्याग है ये पढ़ेंगे। इसमें पहले पांच श्लोक में बताया गया कि विदुर का गृहता त्याग और परीक्षित महाराज की उत्सुकता। तो विदुर जी के बारे में बता रहे हैं और विदुर ने क्यों
ये घर त्याग किया, उस विषय को बता रहे हैं यहाँ पे। तो विदुर ने जो गृह त्याग किया बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि आगे जो उनका मैत्री मुनि का संवाद होगा उसको, उसका गुणगान करने के लिए यहाँ पे वो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है, सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। तो परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, परीक्षित महाराज के ही वंशज थे युधिष्ठिर महाराज, तो उन लोगों के मंत्री, उनके जो चाचा थे धृतराष्ट्र, उनके मंत्री थे विदुर जी। तो वह उस महाकान के विषय बता रहे हैं कि ये वे उस घर में भगवान श्री कृष्ण इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उनका अपना ही घर, और वे दुर्योधन की घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो पांडवों के घर को भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपना स्वयं का घर समझते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, गौड़िया अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हर एक वस्तु जो भगवान से संबंधित है, भगवान को प्रसन्न कर रही है, वो भगवान से अभिन्न है। तो वह घर भी जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते थे और वह अपने घर की तरह मानते थे, उस महान घर को भी विदुर जी ने त्याग कर दिया ताकि वह जाकर के मैत्रेय मुनि से मिल सकें और जो आध्यात्मिक उनकी प्रश्न है उनको वह उसका उत्तर पा सके। तो इसी में आगे बताते हैं कृपा जी कि पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। भगवान ने इस घर को अपने घर की तरह समझा, अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। आमतौर पर अगर कोई इतना महान स्थान है तो वहां जहां भगवान स्वयं आ रहे और भगवान उसको स्वयं अपना घर मान रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी विदुर जी ने त्याग कर दिया, क्यों? अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तविक पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्री से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा के लिए उठाया। तो मनुष्य जीवन जो है वह भगवान के विषय में था तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान के विषय में जानने के लिए होता है, तो वही विदुर जी यहाँ पे उसका पूरा फायदा उठा रहे। भले ही जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इनको थोड़ा अपशब्द कहे गए, उनको निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इसका क्या किया, इस्तेमाल किया ताकि वह पूरी तरह से भगवान के विषय में जान सके, उनके संबंध में सुन सके। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं, अतः विदुर ने पारिवारिक अनुबंध का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। तो ये भौतिक जगत देखिए बहुत ही उथल पुथल वाला है, कभी कभी चीजें हमारे अनुसार होती हैं, कभी हमारे अनुसार नहीं होती है, तो उससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कैसे क्या अब मैं करूं कि भक्ति के लिए ये अनुकूल होगा, भगवान की तरफ जाने के लिए अनुकूल होगा, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल होगा। तो यहाँ पे विदुर इतने सालों तक उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनको घर से निकाल दिया गया। तो उसका इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वहां पे डिप्रेशन में चले गए, डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले रहे हैं, और थोड़े मोटिवेशनल टॉपिक्स वाले लोगों के पास जाके यस यू कैन विन, यू कैन बी सक्सेसफुल, ना उनका वो संग नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं। वो निकलेंगे, पूरे भारत के भ्रमण पर निकलेंगे, अनेक तीर्थ स्थलों पर जाएंगे। तो ये हमको जो मौका मिल रहा है भगवान के भक्ति करने का, भगवान के विषय में श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, अनेक ग्रंथों को हम जो सुन रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इलेक्शन होता है तो उसमें हम लोग चूज करते हैं ना, हमारे जो क्या कहते हैं प्रतिनिधि होंगे, तो यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को चूज करते हैं जो कि उनकी कथा सुन सके। हम अपने से कई सारे लोग हैं, बहुत लोग को भागवत के बारे में पता है, गीता के बारे में पता है, लेकिन वह आकर के भगवान की कथा श्रवण में अपना समय नहीं देते। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान की कथाओं को सुन पा रहे हैं, सुनने की उत्सुकता रखते हैं, और वह उत्सुकता भी हमें यहाँ पे पूर्ण हो रही है, हमें मौका मिल रहा है ऐसा सुनने का। अब देखिए ऐसी उत्सुकता अगले श्लोक में परीक्षित महाराज कर रहे हैं। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, सुनिए। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा,
संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्री मुनि के बीच कहां और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो परीक्षित महाराज भी बहुत ही आदर्श श्रोता हैं और वह हर एक चीज को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। तो भागवत में ऐसा कई बार आया है कि सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं और अचानक उनके प्रश्न आते हैं और कथा जो है एक अलग ही दिशा में चली जाती है। लेकिन उससे फिर आप देखिए कि बहुत सारी अच्छी हमको भगवान की लीलाओं को सुनने का मौका मिलता है, जैसा कि यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे प्रथम जो पाठ है इस चैप्टर का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, कल मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। नहीं अल्पार्थयो तस्य विदुरस्य मदात्मनः तस्मिन् वरीयसे प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। तो कह रहे हैं कि संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं अल्प अर्थ, लघु या महत्वहीन कार्य। तो विदुर और जो मैत्रेय मुनि के बीच जो संवाद हुआ, यह इसमें कोई निम्न स्तरीय कार्य नहीं, बहुत ही उच्च स्तरीय प्रश्न हुए होंगे और यह साधु संतों द्वारा साधुवादों पर बृंहित, विद्वान मंडली साधु मंडली द्वारा यह बहुत ही अनुमोदित होगा। तो कृपा करके मुझे यह बताएं। प्रभा जी तात्पर्य बोल रहे हैं, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्न तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता है। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। तो प्रथम स्कंद में शायद आपको याद होगा कि जैसे शुरुआत में बताते हैं कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, प्रश्न और उत्तर चल रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं पूछते रहते हैं ये क्या है वो क्या है ना, जब हम बड़े होते हैं स्कूल में जाते हैं वहां भी प्रश्न उत्तर होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में चले जाइए वहां भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, कोई न्यूज चैनल खोलिए वहां भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर की कोई कमी नहीं है संसार में, लेकिन वह किस तरह का है, वह किस तरह का है, वह जो संवाद है वो कॉन्वर्सेशन है वो कितना महान है, ये इसके ऊपर आधारित होता है कि किन व्यक्तियों के बीच हो रहा है, उनका क्या स्तर है और कैसे वो सुनने के बाद उसका क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी बात करते हैं और फिर बाहर निकल के सब भूल जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, भगवान के भक्त लोग होते हैं, उनके प्रश्न और उत्तर भी महान होते हैं और वो सुनने से हमारा भी उद्धार होता है। और बाद में हम जब उसको पालन करेंगे तो उससे भी हमारा क्या होगा, आगे हमें भक्ति में बढ़ने का मौका मिलेगा। तो भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ है वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ है, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त है। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया, अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। तो भगवद गीता भी एक ऐसा ही क्या है, प्रश्न उत्तर है। यहां भी परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त जो परम पुरुष है उनके बीच क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है गीता। तो इसलिए मामूली पुस्तक नहीं है और हर व्यक्ति इसको सुन करके लाभ प्राप्त कर सकता है सबके कल्याण के लिए। भगवदगीता, इस भगवदगीता का ही कल जो है जयंती मनाएंगे हम लोग, मोक्षदायी एकादशी है। तो बहुत क्या कहते हैं, हमारा सौभाग्य कि हमको संपूर्ण गीत जो वेदों का सार है वह गीता के रूप में मिल रहा है और उसके ऊपर कृपा जी का जो तात्पर्य है और कृपा जी ने जो भी आदेश दिए अगर उसको पालन करेंगे तो हमारा जो हृदय है बहुत जल्दी शुद्ध होगा और हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। अधिकतर जो है इस दुनिया में लोग वो भ्रमित हैं, क्या करना है उनको पता नहीं, ठीक है। तो गीता जो है
वह आपको यह ज्ञान दे सकता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम भी है, गीता का प्रभाव बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। पहले स्कंद में आया था श्लोक की कृष्ण स्वधाम उपगति धर्म ज्ञान आदि कलो नष्ट दृशामेशा पुराण आर को अनुमोदित। तो भगवान श्री कृष्ण जब 5000 साल पहले अपने भगवत धाम गए तो वो अपने साथ सब कुछ धर्म ज्ञान सब कुछ लेते गए, सभी अच्छे गुण लेके गए। और इस कारण से क्या हो गया, इस कलयुग में जो है अंधकार हो गया। तो इस कलयुग के अंधकार, एक तो वो सारे अच्छे गुण चले गए प्लस कलयुग का अंधकार है, इसको नष्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया है, यह भागवत पुराण दिया जो एक सूर्य के समान है। पुराण अर्को अधमोदित, ये पुराण जो है कलयुग में जितने लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है उनको दृष्टि देगा। ध्रुवाजी एक श्लोक में बोलते हैं तद्वाग विसर्गो जनता भी प्रभु यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि, कि यह भागवत क्या है जो इस दुनिया में मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है, गलत दिशा में जा रहा है और पूरा पापमय लोग हैं, सभ्यता है उसमें है, क्या करेगा यह विप्लव, यह एक रेवोल्यूशन लाएगा, ये एक आंदोलन लाएगा। कैसे, बस इसके प्रति श्लोक को आप सुनिए, श्रवण करिए। तो जैसे हम लोग हमारे मंदिर में देखे हर रोज एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है और उसके ऊपर कैसे उसको अपने जीवन में पालन किया जाए उसके विषय में बताया जाता है। तो हमें भी हर रोज ये हम जो ये कर रहे हैं कोर्स, इसमें श्लोक हर एक श्लोक हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन बाद में आप जाकर के ये बस एक तरह से समझिए कि एडवर्टीजमेंट है, देखिए भागवतम में ये दिया हुआ है और उसको आप बाद में अपने जीवन में आगे और उतार सकते हैं और डीप में जा सकते हैं। भागवतम जो है भगवान स्वयं है तो अनलिमिटेड है, कोई उसका लिमिट ही नहीं कितना आप उसको जान सकते हैं। और हर रोज आप पढ़ेंगे, हर रोज आपको अलग अलग क्या कहते हैं साक्षात्कार हो सकते हैं। तो यह यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मधुर और मैत्रेय के बीच संवाद हुआ था वह अत्यंत सार्थक उच्च स्तरीय रहा होगा और विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित होगा। तो महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर प्रचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे, अतः महाराज परीक्षित को अपने गुरु से जाने की अति उत्कंठा थी। तो हम यहाँ पर महाराज परीक्षित से सीख सकते हैं कैसे हमें उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान के विषय में जानने के लिए, भक्तों का गुणगान सुनने के लिए, अपने जीवन में जो परेशानी आ रही उनको कैसे आध्यात्मिक रूप से हम उसको उसका क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसी से क्या होगा, हमको आगे का रास्ता दिखेगा। कलयुग में क्या हो रहा है, जैसे अभी ठंडी का समय है तो सुबह उठेंगे तो बहुत कोहरा रहता है ना, तो कोहरे में कई बार क्या होता है आपको 2 कदम दूर क्या है चीज दिखाई नहीं देती। तो इसलिए हमें सबको कुछ ना कुछ लाइट वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है अगर सुबह जाएंगे, लेकिन वहीं जब सूर्य आ जाता है तो सब कोहरा छट जाता है। तो जब तक वो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान जो स्वयं सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य समान, जब तक वो नहीं आते जीवन में पूर्ण रूप से, तब तक हमें क्या करना है, मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, ज्यादा रहती है। आगे भी मार्गदर्शन चाहिए भगवान के संबंध में कैसे सेवा करना है, और तब ज्यादा रहती है जब हमें पता नहीं, जब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है ना, ट्रेन जो है वो धीमे धीमे चलती है लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उनको सामने का चीज दिख नहीं रहा होता। तो इसलिए हमें ये उत्सुकता रहनी चाहिए भगवान के विषय में जानने के लिए और गंभीरता से समझने के लिए और ना गहराई में इन गुण तत्वों को समझने के लिए। तब सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा किए प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। तो जब हम अच्छे प्रश्न करते हैं और बहुत ही आतुरता से सुनने का प्रयास करते हैं तो इसी से हमारे गुरु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे प्रसाद भगवत प्रसाद, और वह जो है भगवान के विषय में और भी अच्छी तरह से बताते हैं, गुण तत्व बताते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं पूछ रहा है उसको बता के कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर कोई भूखा नहीं है और आप उसको लेके जाइए बहुत बढ़िया प्रसाद है ना, 10-12 आइटम बना के दे दिया,
ठीक है फीस प्रसादम। तो बोला प्रभु जी ठीक है रख दीजिए, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे ना। तो आप सोचेंगे अरे क्यों इसको दिया, इससे अच्छा तो मैं किसी और को दे देता, जो भूखा है जो कुछ नहीं खाया है ना बेचारा, हो सकता है 2 दिन ट्रैवल करके आ रहा है, रास्ते में ट्रेन में कुछ मिला नहीं तो उसको खिला ना। तो गुरु भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप इस तरह से उत्सुकता से सुनते हैं और प्रश्न करते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि अब तुम और ध्यान पूर्वक सुनो कि कैसे चिपक जा रहा है, गेटिंग स्टक। ओके वॉइस इज कमिंग सी ओके नो प्रॉब्लम। There was the earphone, but it's like okay, later. तो सुखदेव स्वामी कहना चालू करते हैं अभी कि अभी 6 से 16 जो है उसमें देखेंगे कि क्यों विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, उस विषय में बताया जाएगा। तो विदुर जी के हस्तिनापुर परित्याग क्यों किया उन्होंने, उसके बारे में बता रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राधा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों को पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपनी पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र थे वो बहुत ही अत्याचार कर रहे थे पांडवों के ऊपर। ओके तो वह धृतराष्ट्र उनके उस यहाँ पर बताया कि अंतर्दृष्टि खो दिया था उसने। तो जो अंतर्दृष्टि होती है भगवान के भक्तों के साथ कैसे उन्हें व्यवहार करना चाहिए, वो उनका दृष्टि खो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्रों से आसक्त था और इस कारण उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति के मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। तो भयावह रूप से बाधक हो जाता है अगर हमें यह अंतर्दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि खो जाए। यदा सभायां गुरुदेव देव्या केशादिमर्शम सुतकर्म गर्हम न वारयामास नृपस्नुषाया स्वास्त्रे हरन्त्या कुछ कुंकुमानी। तो बता रहे हैं कि कैसे इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राधा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो यह महाभारत में बताया गया होगा काफी विस्तार से, यह जो इंसिडेंट हुआ कि कैसे जुआ खेलने के लिए बुलाया गया और वहां पे द्रौपदी को भी उन्होंने दांव लगा दिया था और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। तो अगर धृतराष्ट्र चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन फिर भी उसने रोका नहीं और यह इस कारण हमको 12 साल का वनवास जाना पड़ा, 13 साल, और अनेक अन्याय वो उनको सहना पड़ा। विशेषकर यहाँ पे द्रौपदी के बारे में बताया जा रहा है। फिर बता रहे कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से उनके राज्य को हड़पा गया। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए तब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। तो धृतराष्ट्र चाहता था कि किसी न किसी तरीके से वह राजा बना ले और उसके पुत्रों को राजी करे। तो भले ही उन्होंने 12 वर्ष का वनवास कर लिया था, 1 साल का ज्ञातवास भी ठीक से कर लिया, फिर भी वो उनको देना नहीं चाह रहा था। तो यह अन्याय का एकदम एक के बाद ये वो अन्याय किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि धृतराष्ट्र को पूरी तरह से उनका सब राइटफुल किंगडम था उनका। उनके पिता पांडु ने को राज्य मिला था। मनुसंहिता के अनुसार कहा जाता है कि अगर राजा जो है अंधा है
बड़ा बेटा अगर अंधा है तो उसको, वैसे बड़े बेटे को मिलना चाहिए राज्य, लेकिन अगर वो अंधा है, राजा को अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा कैसे जनता के ऊपर जनता प्रताड़ित हो रही है या शत्रु के साथ कैसे युद्ध करना है। वो पूरी तरह से अपने मंत्रियों के ऊपर आधारित रहेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि राजा जो है अंधा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पांडु को दे दिया गया कि भाई वो राजा होंगे, लेकिन पांडु को विरक्ति हुई, इन्होंने कुछ दिनों के लिए देखने के देख रेख करने के लिए बस दिया था धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र चाहता था कि अब मेरा जो इच्छा, मेरा राजा बनने का इच्छा तो पूर्ण हुआ, और वो हमेशा राजा बना रहना चाहता था और अपने बेटों को भी राज्य देना चाहता था। इसके लिए वो सारे के सारे अन्यायपूर्ण तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। और यहां तक कि जब श्री कृष्ण आते हैं उनको बताने के लिए, उनको आग्रह करते हैं, वो उनकी बात भी नहीं सुना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, वह उन्हें थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो सामान्य मित्र हों। तो यह भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, स्वयं भगवान है, फिर भी एक दूत का कार्य कर रहे हैं कि कैसे जाकर के युधिष्ठिर और अर्जुन के तरफ से वो बता रहे हैं कि आप उनका राज्य वापस कर दें। तो भगवान को ये बहुत प्रसन्नता होती है, अपने भक्तों का सेवा करने में बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये भगवान का भक्त वात्सल्यता है, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो महान व्यक्ति होता है, अगर कोई बहुत बड़ा राजा हो गया तो छोटे निम्न कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए दूत बन गए, उनके जो क्या कहते हैं जो रथ है उसको हांकने लगे, तो इस तरह से वह उनके लिए कुछ भी कार्य सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान की महानता है, और भगवान उन युधिष्ठिर की तरफ से आए थे उनको बताने के लिए कि कृपया वापस दे दीजिए उनका राज्य। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने के कारण दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संबंध को गंभीरता से नहीं लिया। तो जब आप आदमी का पुण्य कर्म कर्म हो जाता है तो वह अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता, भगवान स्वयं जहां आ रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको उनकी बातों को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार तो छोड़िए, उनको भी पकड़ना चाहे, उनको भी जेल में बांधना चाहे, तो ये बहुत बड़ी उनकी गलती थी। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु भक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को अत्यंत तीखी लगती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो बातें हैं, वो भक्तों को हमेशा मीठी लगती है, लेकिन अगर आप अभक्त हैं तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जो जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो मीठा अगर उसको दिया जाए तो भी उसको क्या लगेगा, तीखा लगेगा। तो मीठा जो भगवान का आदेश है वो भी भक्तों को उस क्या कहते हैं तीखा लगता है। तब जब ऐसा होता है, इसके बाद विदुर जी को बुलाते हैं ये लोग, धृतराष्ट्र कंपनी बुलाते हैं भाई कि आप आइए अपना एडवाइस दीजिए। तो विदुर जी आते हैं और उनको अपना जो सुझाव वो देते हैं, काफी सही सुझाव देते हैं, उनको बहुत स्ट्रांग लगता है। तो उसके उन्होंने जब बुलाया गया तब वो जाकर के उनको बोलते हैं, तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हें चाहिए, विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाव लौटा दो, जो उसका न्यायोचित भाव है, उसका अपना राज्य है, उसको दे दो, क्योंकि वो उसका कोई शत्रु नहीं है और वो तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। तो यह युधिष्ठिर महाराज की महानता है, वो इतने दयालु है, इतने सहनशील है कि आप अन्याय कर रहे हैं लेकिन आपका अन्याय भी वो सहन कर रहा है, और वो तो सहन कर ले रहा है लेकिन वो अपने छोटे भाइयों के सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें प्रतिशोध की भावना पूर्ण भीम सर्व की तरह से उच्छ्वास ले रहा है।
तो वो तो सहन कर ले रहा है, लेकिन जो उसके छोटे भाई हैं वो ज्यादा देर सहन नहीं करेंगे। जिसमें कि भीम सांप की तरह सांस ले रहा है, कब मौका मिले, कब वो प्रतिशोध ले, क्योंकि बहुत अन्याय किया आप लोगों ने, उनका राज्य ले लिया, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। और अब जब वापस देने का समय आया, जब संपूर्ण सारा चीज उन्होंने पालन कर लिया, फिर भी आप उनको वापस नहीं दे रहे, तो क्या है ये? अन्याय का हद हो गया, अन्याय का अति हो गया। अभी आप उनको वापस दे दो, तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो, और आप भयभीत हो तभी तो आप मुझे सुझाव के लिए बुला रहे हो। फिर वो बारहवें श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वह भी क्या है, इनके साथ हैं, इन पांडवों के साथ हैं। पार्थान सुखदेवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षित देव देव आस्ते सपुर्याम यदु देव देवो विनिर्जिताशेष निर्देव देव। तो भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। तो भगवान स्वयं साक्षात भगवान क्या कर रहे हैं, ये पांडवों को अपना समझते हैं, अपना परिजन मान लिया है। और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं, तो संसार में जितने भी राजा हैं उनको भगवान श्री कृष्ण उनके लिए वंदनीय है, और जो उनके विरोध में थे उन सबको यदुओं ने हरा दिया है। तो इस तरह से सारे राजा उनके साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित हैं, और वे उन सबों के स्वामी हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम और सभी यदु जो कि पूरे संसार के राजाओं की तरह से उन्होंने हरा दिया है, जीत लिया है, फिर भी वह आकर के आपसे निवेदन कर रहे थे, आपने उनकी बात माननी चाहिए थी और उनकी तरफ है। तो ये याद रखिए कि वो अगर कुछ युद्ध होगा तो भगवान उनको जरूर मदद करेंगे। तो विदुर यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि इनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के साथ हैं तो आप ये आशा छोड़ दीजिए कि आप जीत पाएंगे, इसलिए आप छोड़ दो। अब ये श्री कृष्ण कौन है, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। तो हमने दशम स्कंद में जब हम आएंगे तो ये सब लीलाओं को विस्तार में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने कंस को मारा, जरासंध को मारा, और ब्रह्म विभूम लीला होती है, इंद्र को मान मर्दन कर उन्होंने पूरा गोवर्धन उठा लिया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो है लगने के लिए आम पुरुष लगते हैं, साधारण पुरुष लगते हैं, लेकिन वो है क्या, भगवान साक्षात परम ब्रह्म है और संपूर्ण शक्तियों के मालिक है। तो इसलिए आप उनसे उनका विरोध मत करिए, ये पांडवों को अपना मानते हैं, परिजन मानते हैं, तो तुरंत उनको उनका राज्य वापस दे दीजिए। तो अब धृतराष्ट्र हो सकता है कहता है, अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र जो है दुर्योधन वो इसका विरोध करेगा। तो विदुर जी बोलते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, ये जो दुर्योधन है वह तुम्हारे समस्त समस्याओं का स्रोत है। बोल रहे हैं अगले श्लोक में, तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो दुर्योधन को बोल रहे हैं समस्त परिवार को के जो समस्याएं उसका कारण यही है। दुर्योधन जो था वह चाहता तो दे देता, और ज्यादा नहीं उनको, सिर्फ वो बोले उनको 5 गांव दे दो, तो कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता तो वो मान जाता, लेकिन वह इतना ईर्ष्यालु था कि उसको 5 गांव चाहता था कि पूरी तरह से पांडवों का विनाश हो जाए। तो ऐसे अपराधी व्यक्ति को तुम पाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, कृपया उसको छोड़ दो, पूरे परिवार का कल्याण। एक कहा जाता है कि अगर एक गांव को बचाना है, एक फैमिली को बचाना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति का आप बलिदान दे सकते हैं। तो वैसा ही ये है, इसको आप छोड़ दो। यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं पुत्र के बारे में, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। तो ये
हमारे सभ्यता वर्णाश्रम में आता है कि पितृपक्ष में वो भोग अर्पण करता है विष्णु को और फिर पितरों को अर्पण करता है जो पुत्र है। तो इस तरह से अगर पिता या कोई जो पूर्वज हैं अगर किसी निम्न योनि में चले गए हैं, कुछ अगर दुविधा कष्ट में है, तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि किंतु यदि पुत्र पहले से ही विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वो भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं कि दुर्योधन कृष्ण का शत्रु है तो कैसे वो यज्ञ करेगा आपके आपके उद्धार के लिए। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है, दुर्योधन उनकी ओर शत्रुवत है, अतः वो अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है। तो हमारे परिवार में हमें देखना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है वह भगवान का भक्त बने और जो भी अनुकूल है उसके भक्ति के लिए वही कार्य करें। तो ये कोशिश करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, स्वजनों न सस्यात, ऐसे भागवत में आता है पांचवें स्कंद में श्लोक कि आप पिता मत बनिए, गुरु मत बनिए, माता मत बनिए, स्वजन मत बनिए, राजा मत बनिए, न मोचे ये समुपेत मृत्यु। अगर आप उनको अपने उनकी ये जो मृत्यु के चंगुल में है सभी लोग उसको अगर ना निकाल पाए तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का ये लेने का रोल लेने का कि आप पिता बने, पुत्र बने, पिता बने या गुरु बने। तो यहाँ पे वो बने, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका पतन ही, वो खुद भी पतन में हो रहा है और आपका भी पतन कर रहा है दुर्योधन। तो इसको तुरंत क्या करो, आप त्याग दो, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान विष्णु के विरोध में कार्य कर रहा है। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त है। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। तो आंख में जब दर्द होता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उनको निकाल दिया जाता है, वो जो दर्द दे रहा होता है। तो इसी तरह जो पीड़ा का कारण है उस पीड़ा के कारण को निकाल दो, उसके प्रति जो आसक्ति है उसके कारण आपको और पीड़ा मिलेगी। तो कई बार ऐसा होता है, अगर यहाँ पे जैसा बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। विदुर, दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों की तुलना वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था और आगे होता भी है। पूरे परिवार का नाश हो जाता है, सारे कौरव 100 कौरव मर जाते हैं और पांडवों के तरफ भी उनके पुत्र मर जाते हैं, अभिमन्यु का मृत्यु हो जाता है और पूरे संसार में अनेक जो योद्धा है उनका मृत्यु हो जाता है। तो यह पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं दुर्घटना था जो कि हुआ। तो इस सबसे बचने का एक आसान तरीका यहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्योधन को आप छोड़ दो। अब तो विदुर ने अपना जो है सुझाव दे दिया, इसका जो है क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो देखेंगे। विदुर का ये सुनते थे आप दुर्योधन को निकाल दीजिए, दुर्योधन अब एकदम आग बबूला हो जाता है और बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है अपने चाचा के प्रति। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था, तो क्योंकि वो गलत संग में था, कर्ण और शकुनी के संग में था, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा था जो सबके द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, जो उनके पिता तुल्य व्यक्ति उनके विषय में उनको भी उसने अपमानित किया। यहाँ तात्पर्य प्रभा जी बोल रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है और जिस तरह से सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। अगर सांप को आप दूध पिलाइएगा तो उसका विष और बढ़ जाएगा। तो वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति उपदेशों में मूर्खाना प्रकोपा ही
कल्पते, उसको वह और क्रोधित होता है समूर्ख व्यक्ति। तो दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला और यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल है जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते हैं। तो दुर्योधन यहां देखिए सोच रहा है कि कर्ण और शकुनी उसके मित्र हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको हमेशा गलत कार्यों के लिए उकसा रहे हैं। और शकुनी का तो वो इसीलिए आया ही था हस्तिनापुर, ताकि विनाश कर सके गुरु वंश का। तो फलीन परछाई थे, अगर आप किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं, किसी मित्र कोई मित्र का बात सुन रहे हैं, तो उसका संग करने से देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या उन्नति की तरफ जा रहे हैं या अधोगति हो रही है। अगर अधोगति हो रही है तो उस व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, अगर वो गलत कार्य के लिए उकसा रहा है। जब पढ़ने का समय तो होता नहीं, चलो खेलने चलेंगे ना, मूवी चलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो गलत दिशा में ले जा रहा है। तो हमें अपना जो संग है वो बहुत अच्छे से उसका चयन करना चाहिए कि कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है, किसका संग करने से हमारा उद्धार होगा, आगे बढ़ोतरी होगी या पतन होगा। तो संग का बहुत ज्यादा, साधु संग करेंगे तो भगवान की तरफ ना भक्ति में उन्नति होती है, तो साधु संग करें, ना कि ऐसे दुर्जनों का संग करिए। वो कह रहा है, बहुत ही अपमानजनक व्यक्ति बात कर रहा है कि इस रखेल के पुत्र को यहां आने के लिए किसने कहा है, ये इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी कर रहा है, इसे तुरंत इस महल से निकालकर बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो वो पहले दासियां होती थी, जब भी कोई स्त्री का विवाह होता था राज्यकुल में, तो उसके साथ जो उसकी दासियां होती थी वो भी जाती थी उसके ससुराल में और वहां पे रहकर उनकी सेवा करती थी और राजा उनके साथ संग कर सकता था, लेकिन उसके साथ जो पुत्र उत्पन्न होता था उनको राजा बनने का ये अधिकार नहीं होता था, भले ही उनको राजकुमार की तरह रखा जाए। तो विदुर जी भी ऐसे ही दासी के पुत्र थे और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत अच्छा उनका क्या कहते हैं वहां पे योगदान था पूरे कुरु वंश में, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज करके यहाँ पे क्या कर रहा है दुर्योधन, उनका अपमान कर रहा है। पहले उनके जन्म के विषय में कि आप दासी के पुत्र हैं, उस पर प्रहार कर रहा है, फिर क्या कह रहा है कि ये गुप्तचर है, हाँ हमारे जो शत्रु हैं युधिष्ठिर और पांडव उनकी तरफदारी कर रहा है, उनकी तरफ से यह कार्य कर रहा है, हमारे शत्रु हित में गुप्तचरी कर रहा है, तो इस महल से निकाल कर इसे तुरंत बाहर कर दो। और फिर वो बोल रहा है कि इनको बाहर कर दो, इसकी सांसें बस रहने दो। तो राजमहल के यहाँ पे बता, राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जाता है। तो जो राजमहल होता है या पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है, वहां पे पावर बहुत मिलता है, शक्तियां बहुत मिलती हैं, लेकिन कभी भी वो पलट सकता है, चीजें पलट सकती हैं और आपको दंड मिल सकता है। तो यह भौतिक जगत है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम, अगर हमको ये सेवा है, जैसे यहाँ पे विदुर जी जब तक वहां पे थे उन्होंने अपनी सेवा की और उसके बाद वो एक विरक्त भाव से वो वहां से निकल जाते हैं। अभी कभी विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा त्यागने का निश्चय कर लिया। तो इसके बाद वो उन्होंने निश्चय किया कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, इससे पहले कि सही में वो कुछ करे और भी अपमान करे, कुछ हमें मारने का प्रयास करे, उसके पहले मुझे क्या करना चाहिए, राजमहल जो है छोड़ देना चाहिए। तो ये अगला श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां, भ्रातु पुरो परमसुता इतोऽपि, भ्रातु पुरो परमसुता इतोऽपि, स इत्थम् अतुल्बणकर्णबाणे, स इत्थम् अतुल्बणकर्णबाणे, गतभृतो यत् उरुमानयानः, गतभृतो यत् उरुमानयानः।
यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेजे गए तथा अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया, तो उनका कान जैसे कि तीक्ष्ण बाण से भेजा गया हो और हृदय में बहुत ही वो आघात पहुंचा था उनको। ने क्या किया, अपने भाई का वो मार छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वो माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो यहाँ पे दो शक्तियां कार्य कर रही हैं और विदुर जो है दोनों को देख पा रहे हैं, एक है महामाया और एक है योग माया। तो बाहरी रूप से जो है वो महामाया कार्य कर रही है, जिस जगह की इन्होंने, जिस वंश की इन्होंने इतनी सेवा की वहां से उनको अपमान मिल रहा है और निकाला जा रहा है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ वो अंदर से उसको क्या कर रहे हैं, वो योग माया का भी देख पा रहे हैं कि ये योग माया का हमारे लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रपोर्ट लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसको देखेंगे। तो भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। तो बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वो सोचता है कि हर कार्य वो स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के यंत्र में। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियम के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश अपने कर्म अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। तो दुर्योधन भी एकदम ऐसा ही बद्ध जीव की तरह कार्य कर रहा है, वो पूरी तरह से माया के प्रभाव में है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहता हूं वो कर रहा हूं। लेकिन यह उसका क्या है, यह मोह है, यह मिथ्या में वो माया के प्रभाव में ऐसा है। तो जो प्रकृति के गुणों के अधीन है ना, तीन गुणों के अधीन, कभी वो सत्वगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, रजोगुण में रहेगा, बहुत ही विस्तृत इसका गीता में बताया गया, चर्चा हुआ है। तो इन गुणों के अंतर्गत आप जब तक रहेंगे तब तक आप बंधे ही हुए हैं। ये तीन गुण कैसे हैं, समझ लीजिए कि आपको अलग अलग जेल है, ए क्लास जेल, बी क्लास जेल, सी क्लास जेल, जेल के समान है। तो इसमें आप रहेंगे, हो सकता है कभी जब आप हायर क्लास जेल में होते हैं तो आपको सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं ना, टीवी रहेगा, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हो सकता है आपको बेड़ियों से नहीं बांधा गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, जेल में। तो बद्ध आत्मा जो है वो भगवान के नियमों के, कठोर नियमों के अंतर्गत रहता है। तो दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगा शक्ति के वश में होने के कारण वन विनाश के पद पर अग्रसर हो रहा है। तो ये नहीं देख रहे थे कि ये मेरे खिलाफ कुछ कार्य कर, देखिए वो तो माया के अंतर्गत है ना, तो माया के कारण जो बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण वो ऐसा कार्य कर रहा है। अब वो उनका आंतरिक भाव बता रहे हैं। अतः उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह से उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे, वे सदैव उस राजमहल का त्याग करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लगने के लिए तैयार रहते थे। तो विदुर जी कौन है, विदुर जी यमराज के अवतार है। तो यमराज के रूप में उनका कार्य हमेशा जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड देना होता है, उनको कभी मौका नहीं मिलता था कि वो भगवान के विषय में प्रचार कर पाए। तो उनको यहाँ पे विदुर बन के आने का मौका मिला था कि वो उस पृथ्वी आके भगवान के विषय में सुन सके, प्रचार कर सके, भक्ति में, शुद्ध भक्ति में पूरी तरह से लग सके। तो अब उनको ये मौका मिल रहा है, तो वह यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि ये अंतरंगा शक्ति ये कार्य कर रही है, उनको मौका दे रहे कि अब आप भगवान की सेवा में संपूर्णता लग सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश और छाया दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों अगल बगल है। तो जब आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो आप छाया में, जब आप सूर्य से विपरीत दिशा में देखेंगे तभी आपको अपनी परछाई दिखेगी। तो कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, तो सूर्य कौन है, कृष्ण है। तो जब आप कृष्ण की तरफ देख रहे हैं आपके ऊपर क्या है, धूप पड़ रही है, वो क्या है, योग माया, आप योग माया के अंतर्गत है।
लेकिन जब आप कृष्ण से विपरीत हो जाएंगे, कृष्णा भूलिया से ही जीव भोगवान चक्र, तब क्या है, आप महामाया के चंगुल में फंस जा रहे हैं। तो दोनों चीज साथ ही साथ है, ऐसा नहीं कि धूप कहीं दूर है और छाया कहीं दूर है, दोनों अगल बगल है, लेकिन बस आपकी आंतरिक भाव के ऊपर है कि आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, या भगवान के विरोध में कार्य करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ के लिए सब कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वह पूरी तरह से महामाया में, वो भगवान की योग माया को नहीं देख पा रहा है, लेकिन विदुर जो है वो दोनों को देख पा रहे हैं और वो अब महामाया के कार्यों को छोड़ करके योग माया के कार्यों में पूरी तरह से मग्न होने वाले हैं, उसमें उसमें वो सेवा करेंगे। तो वो पहले से चाहते थे कि कैसे दिव्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर सेवा करें। तो अब दुर्योधन की कृपा से, अब देखिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, दुर्योधन की कृपा से यह उन्हें अवसर मिल रहा है। तो दुर्योधन की कृपा सब बोलो। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त। तो कई बार लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कैसे उसने ऐसा बोल दिया, कैसे कह सकता है, और वह बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वह धन्यवाद दे रहे हैं दुर्योधन को कि बहुत अच्छा, अभी तुम्हारे कारण क्या है, मुझे मौका मिल रहा है भगवान का सेवा करने। तो हमें भी किसी एक व्यक्ति का जो कार्य है उससे ज्यादा प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। वह तीन गुणों के आधारित होकर कार्य कर रहा है और बिना कृष्ण के सैंक्शन के, बिना जब तक कृष्ण को कृष्ण उसको वो न करें, अलाउ न करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे साथ वो कार्य नहीं हो सकता है। तो अगर भगवान ये अलाउ कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ हमको सिखाना चाह रहे हैं। तो कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हमें समझ में आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत ही दुखमय स्थिति है, लेकिन अगर आप अपना संतुलन रखें और आप भगवान के भक्तों का संग करें और धीमे धीमे सेवा को अगर जगह चेंज करके सेवा करने लगने का प्रयास करें, तो क्या होगा, आप देखेंगे आपका जीवन क्या है और बेहतर हो जा रहा है। जैसे कि आप देखिए परीक्षित महाराज, वो पूरे संसार के ऊपर राज्य कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको श्राप मिल गया और वह उससे निकल पाए। तो वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने से ये नहीं कर पाता, तो भगवान की ये कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अभी सब कुछ छोड़ने के लिए बाध्य हूं और अब भगवान के स्मरण में पूरा समय लगा सकता हूं। प्रभुपाद जी के भी जीवन में जब वो गृहस्थ थे और उनका फैक्ट्री था, तो एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और एक जो चोर होता है, उनके नौकर होता है, वहीं सारा सब पैसा चोरी कर ले जाता है। तो प्रभुपाद जी हंसते हैं कि अब जो मेरा आखिरी आसक्ति था भगवान ने वो भी ले लिया, अब मैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता हूँ। उनका घर जो है, घर में भी स्थिति वो अनुकूल नहीं थी, घर वाले उनकी पत्नी और बच्चे जो भक्ति नहीं करना चाहते थे उनमें, तो उन्होंने उनको परित्याग करके अपने गुरु का जो सेवा है, पुस्तक लिखने का, वितरण करने का, अंग्रेजी में प्रचार करने का, वो उन्होंने स्वीकार किया। और देखिए 10-11 साल में पूरे विश्व में उन्होंने कितना ख्याति प्राप्त किया, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं और उनके चरण कदमों पे उनके दिए गए आदेशों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना जीवन क्या कहते हैं आगे बढ़ा रहे हैं, उन भक्ति के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा देश शुद्ध हो रहा है। तो इतना उन्होंने सेवा किया आगे आने वाली भी पीढ़ियों में। तो इस तरह हम भी अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जो कि हमें अच्छा ना लग रहा हो, अगर हम उसको सहन करें, तृणादपि सुनिए चेना तरो रूपी सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय साधारे, भगवान की सेवा में लगे, तो धीमे धीमे आप देखेंगे कि उसी स्थिति को आप बाद में जब सोचेंगे 2 साल पहले 4 साल पहले जो हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, उसी कारण हमें अब यहाँ पे हो। तो भौतिक जगत देखिए दुखालय, यहाँ दुख तो आए हुए हैं,
लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं, लीला करते हैं कि वो उनकी सेवा में और लग जाए, उनकी तरफ और आकर्षित हो जाए, उनके लिए और उत्सुक हो जाए। अगर यह जगह सब कुछ ठीक होता तो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। अगर सब कुछ अच्छा होता तो भक्ति करने का किसी को कोई इच्छा नहीं होती। तो क्योंकि ये दुखालय है, अशाश्वत है, पीड़ा है, दुख है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इससे बाहर निकलें, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे हमें भगवान के विषय में और अपना जो भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है वापस जागृत करने का मौका मिल रहा है, वरना हम उसी में रह जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे जो हमारे भारतीय सैनिक है उनका एक वो था, स्थान था, और उनको हर एक एक घंटे पे निकल के बाहर देखना पड़ता था क्योंकि वहां कभी कभी बर्फ पड़ती है। तो अगर बर्फ पड़ रही है और अगर अंदर में है तो पूरा बर्फ उनको ढक देगा और उनका मृत्यु हो जाएगा, तो इसलिए बार बार उनको बाहर निकल के एक एक घंटे पे देखना होता। तो एक बार उनको शायद कुछ नया स्लीपिंग बैग वगैरह ऐसा कुछ दिया गया और वो बहुत क्या कहते हैं गर्म था, तो वो लोग बाहर ही नहीं निकले और उस दिन बर्फ गिरी और वो पूरे लोग जो है उसमें उनका देहांत हो गया। तो अगर बहुत सुख सुविधा मिल जाती है और वहाँ पे हम उसी में क्या कहते हैं आकर्षित हो जाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक पीड़ा का कार्य बनेगा, पीड़ा देने का स्रोत बनेगा। तो यहाँ पे विदुर जी बहुत ही आदर्श तरीके से वो इस विपरीत स्थिति को भी आध्यात्मिक रूप में दे रहे हैं और दुर्योधन को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनके कारण ही, इसके कारण ही उन्हें पवित्र स्थान पर अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कर्तव्य था बिना दुखी हुए यहाँ महत्वपूर्ण, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्य में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। तो यह जो भौतिक वातावरण है इसमें सिर्फ दुख मिलता है, तो उन पीड़ाओं से वो भी अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर तथा बाहर दोनों प्रकार से कार्य किया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी योग माया महामाया साथ साथ कार्य कर रही है और हमें ध्यानपूर्वक सेवा करना है जिससे कि हम भगवान की योग माया के अंतर्गत हैं, क्योंकि हम क्या हैं, तटस्थ शक्ति हैं। जब आप किसी नदी में के पास जाएंगे तो अभी ठंडी का समय और गर्मी का समय आता है तो बहुत सारा वो एकदम सूख के बहुत छोटा हो जाता है, तो जो पहले नदी था वो अभी तट हो जाता है, वो अभी जमीन बन जाता है। जब पानी बरसेगा तो वापस वहां पे क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो हम जो है जीव हमारा क्या है, तटस्थ शक्ति है, हम तट पे हैं, कभी योग माया के अंतर्गत रहेंगे कभी मान माया। तो हमारा कोशिश नहीं कैसे हम हमेशा योग माया के अंतर्गत रहें और भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में, गुरु के और वैष्णव के संग में रहें। यह हमारे आंतरिक भाव से, चेतना से होता है। अभी जो नेक्स्ट है वो 17-25 जिसमें कि विदुर जी अलग अलग जो तीर्थ स्थल है वहां पे जाते हैं और उसके विषय में बात होंगी कि अपने 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, अपने पुण्य के द्वारा महाविदुर ने पुण्य आत्मा कौरवों के सबर सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो अपना घर छोड़ के वो तुरंत क्या करते हैं, तीर्थ स्थानों के ऊपर भ्रमण करते हैं। यहाँ पे एक बात है कि वो भगवान श्री कृष्ण तो उसी धरती पे थे उस वक्त, तो भगवान कृष्ण के पास भी जा सकते थे, तो कृष्ण के पास क्यों नहीं गए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में, विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्य आत्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। तो
तो हम बहुत, हमारे पास ऐश्वर्य है, बहुत ज्ञान है, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं। सब किस कारण होता है? पूर्व जन्म के कारण। पूर्व जन्म में हमने अच्छे पुण्य कर्म किए, इसलिए हमें ऐसे अच्छा जन्म मिलता है। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। तो यह भक्ति उन्मुख सुकृति, इससे कर्म उन्मुख सुकृति से भिन्न होती है। आप पुण्य कर्म करेंगे, आपको अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन ये जरूरी है कि आपको भगवान का भक्ति करने का मौका मिलेगा। भगवान का भक्ति करना है, वो अहेतु की कृपा होती है, भगवान की, उनके भक्तों की। कुछ हमें सेवा करने का मौका, भगवान स्वयं आ रहे हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु इस युग में स्वयं आ रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं और प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर के नित्यानंद प्रभु को बुलाएंगे, घर घर जाओ और मेरा नाम दो। और फिर उनके बाद हमारे जो आचार्य हैं भक्तिसान ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी, वो पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए उन्होंने आदेश दिए और स्वयं जाके उन्होंने किया। तो प्रभुपाद बोले कि मैं, उनके भक्तों ने पूछा, उनके विष्णु भक्त, हमने क्या किया था कि हमें मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है भगवान की भक्ति करने का। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुमने कुछ नहीं किया है, सब आई हैव क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशन, मैंने आपको यह अधिकार दिया है। तो जो मध्यम अधिकारी होता है वह प्रचार करता है और उसके द्वारा ही मौका मिलता है जो भक्त नहीं है उनको भक्ति में आने का। तो यह जैसे गीता का पुस्तक वितरण का समय चल रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को हम गीता के विषय में बताएं, गीता को उनको दें, और जो लोग भगवान से दूर हैं वो भी भगवान के भक्ति में संलग्न हों। तो विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। यहाँ पे विदुर जी बहुत ही अपना जो नम्र स्वभाव है वो दिखा रहे हैं उनका, कि वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं उतना पुण्य व्यक्ति नहीं हूँ। क्यों उतना पुण्य व्यक्ति नहीं हूँ? क्योंकि वह दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संगत किए हैं, संग किए, इसलिए वो सोचते हैं कि मैंने ज्यादा पुण्य नहीं किए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सदैव जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। तो वो, ये उनका आंतरिक चेतना थी कि मैं ऐसे गलत व्यक्तियों का संग किया हूं, तो मुझे अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है और मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, अनेक तीर्थ स्थानों में जाऊंगा, वहां पे संतों का संग करूंगा, भगवान के जो अर्थ दिख रहे हैं उनका दर्शन करूंगा और इस तरह से मैं अपने आप को पुण्यवान बनाऊंगा ताकि मैं भगवान के निकट पहुंच सकूं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पे रूपा जी बता रहे, येषां त्वं तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दन्तमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़मृता। कंस तथा जरासन जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्मयोग में तत्पश्चात ज्ञान में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। तो जब तक कोई शुद्ध नहीं है, संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं है, वो भगवान की भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान की महानता को नहीं समझ सकता और भक्ति में नहीं लग सकता पूर्ण तरह से। तो इसलिए इस चेतना उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। स्यान मह सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निशे मनाती है, पहले स्कंद में श्लोक आया था। इसी जीवन में भगवान की संगति की जा सकती है, भगवान के शुद्ध भक्तों का संकर्त। तीर्थ स्थान तीर्थयात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं। हम यहाँ पे तीर्थ स्थान के बारे में रूपा जी बता रहे हैं कि तीर्थ स्थान किस लिए बने होते हैं। वो जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको उनको पाप से मुक्त करने के लिए होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे तीर्थ स्थान, विशेषकर भारत में आप देखिए ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अनेकों अनेक तीर्थ स्थान भरे पड़े हैं। तो वहां पे क्या है, लोग जा करके, हर राज्य हर देश के लोग जा करके अपना आपको शुद्ध कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह।
किंतु मनुष्य को केवल स्थिर स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब तीर्थ स्थान में फायदा कैसे उठाए, कैसे हम शुद्ध हों, उसे उन महात्माओं को मिलने के लिए उत्सुक होना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जो वहां पे संत महात्मा है, रहकर तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की पहले से ही, उनका जाके श्रवण करना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में ऐसा श्लोक आता है, कोई अगर व्यक्ति सोचे कि मैं तीर्थ स्थान में गया, स्नान किया और वह काफी है, तो वह एक तरह से गाय और गधे के समान है। गोखर सैव गोखर, उसको वहां क्या करना चाहिए, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। जब संग करेंगे तो भगवान के विषय में बताएंगे वो, और हमारे जो पाप हैं वो भगवान की लीला सुन करके, उनके विषय में जो विज्ञान है वो सुन करके नष्ट हो जाएंगे। तो ये आसान तरीका है, सिर्फ गंगा ऐसे एक श्लोक, एक वैष्णव गीत है कि गंगा रे परशहले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारे को, कि गंगा में कई बार स्नान करने पर तब जाकर के हो सकता है आपका पाप नष्ट हो, लेकिन अगर भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त उनका आप दर्शन ही कर लें तो ही आपके पाप जो है दूर भाग जाते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे महात्माओं से मिलना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य रूप में वर्तमान रहते हैं, ये स्वरूप अर्चमूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकते। तो भगवान की जो अर्च विग्रह है, अर्च इनकार्नेशन, अर्च विग्रह है, वो भगवान उस रूप में अवतार ले, अर्चा अवतार है ले रहे हैं, वो मामूली मूर्ति नहीं है। जैसे किसी महान क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी या किसी राजनीतिक व्यक्ति का हम अगर बना दें मूर्ति, तो ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान का जो मूर्ति है उसका विवरण दिया हुआ है शास्त्रों में, और बनाने का पद्धति है, एक क्या कहते हैं विशेष जो मार्बल होता है या आपका मेटल्स होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं धातु और या लकड़ी, इससे बनाया जाता है। और उसमें फिर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं आते हैं और आह्वान करते हैं कि भगवान अवतार लें, तो भगवान भगवत धाम से अपने शुद्ध भक्तों के आह्वान पे आते हैं। तो पूरा वैज्ञानिक उसका प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को हम भगवान बना देंगे। तो पहले हो सकता है वो जड़ प्रकृति है, लेकिन जब भगवान के भक्त आह्वान करते हैं और वैज्ञानिक प्रक्रिया पालन करते हैं, तो भगवान स्वयं उसमें आकर के वो स्वीकार करते हैं सर, और दर्शन देते हैं भक्तों को। तो हम तो अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे, तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं अपनी इस भौतिक आंखों से। तो भगवान इस तरह से वो रूप आकर के स्वीकार करते हैं, वो उनका स्वरूप है, और उनका दर्शन करके, उनको सेवा करके, उनको आप भोग चढ़ा सकते हैं, उनके नमस्कार कर सकते हैं, उनके समक्ष आप संकीर्तन कर सकते हैं। तो इस सबके द्वारा क्या होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, और भगवान में जो आस्था है, भगवान में जो श्रद्धा है, वो और सुदृढ़ होगी, हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो यह वैज्ञानिक है, बहुत सारे जो अन्य धर्म है वो बोलते हैं यह मनगढ़ंत है, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके धर्म भी आप देखेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ अर्च रूप का उपासना कर रहे हैं हर धर्म में, क्योंकि आप सिर्फ निराकार रूप को कैसे उपासना कर सकते हैं ना? तो यह वैज्ञानिक रूप से जो स्थापित विग्रह हैं, इनका हमें दर्शन करना चाहिए, और भगवान को हम फिर उनके निकट जा सकते हैं। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के अगम्य है, तो हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, नहीं हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। तो हम उस मात्रा में जितना हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, या उस अनुपात में जितना हमने हमारे जीवन पापों से मुक्त हो गए हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो आप जाइए और भगवान का दर्शन लीजिए, वो भगवान ही है। अभी हम आ रहे में वो आस्था नहीं हो, लेकिन हमें जानना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र समझने के कि ये भगवान स्वयं है, और उस तरह से हमें सेवा करनी हो। जब ऐसे सेवा करेंगे तो एक दिन वही भगवान आपसे बातचीत करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि आप
या अर्श विग्रह की सेवा करें। हमारे सभी मंदिरों में देखिए सुबह इसलिए मंगल आरती होता है, दर्शन आरती होता है और विग्रहों की स्थापना होती है, ताकि छोटा बच्चा भी है या कोई वृद्ध व्यक्ति भी, वो आकर के बस दर्शन भी कर ले तो उसका भक्ति का शुरुआत हो जाता है। ऐसा अर्चमूर्ति मूर्ति नहीं अपितु स्वयं भगवान होते हैं, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है उसी के अनुसार अर्चमूर्ति के महत्व को समझ सकता है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, अगर आप पाप से मुक्त हैं, भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत है, तो भगवान भी आपके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं, उतना ज्यादा आप भगवान को उसमें महसूस कर पाएंगे। अतः मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। तो ये सब जो मार्गदर्शन है कैसे मिलेगा, एक शुद्ध भक्त के द्वारा, जो वहां पे महात्मा तीर्थ स्थान में रह गए, उस स्थान पे उस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उनसे आप जाकर के श्रवण कर, तब उस तीर्थ स्थान में या मंदिर में जाने का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। भारत में ऐसे लाखों तीर्थ फैले हुए हैं, तो इसमें आखिरी में प्रभुपाद जी एक श्लोक बोले चैतन्य चरितामृत से, सर्वत्र प्रकाशतार भक्ति सुख दीते जगते अधर्मनाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो और संसार में धर्म की स्थापना की जाए। तो ये अर्च विग्रह उपासना जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संप्रदाय के लिए और हमारे भक्ति के लिए। अब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार विदुर जी सेवा करते हैं, कैसे वो जाके भ्रमण करते हैं, उनकी क्या चेतना थी और क्या उनकी कार्य थे वहां पे। 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। तो अकेले जा रहे थे और क्या कर रहे थे, कृष्ण चिंतन कर रहे थे। वो ये चिंतन नहीं कर रहे थे कि अब अगला प्रसाद कहाँ मिलेगा, अभी कहाँ सोएंगे, ठीक है कहीं कोई बीच में पशु तो नहीं आ जाएगा, नहीं, क्या कर रहे थे वो, कृष्ण चिंतन कर रहे थे। तो हमें जब वृंदावन या मायापुर जाएं तो हमें कृष्ण चिंतन करना चाहिए, और उसका सबसे आसान तरीका है इस युग में आप कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे भक्तों का देखें जब भी जाएंगे तो कीर्तन करते हुए जाएंगे, ट्रेन में और जिस तीर्थ स्थल पर जाएंगे आते जाते हुए, है ना, हर जगह वो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तो वह ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर स्थानों पर जाते थे, बगीचों में जाते थे, नदियों में जाते थे, जो कि शुद्ध जगह थे, निष्पाप थे। तो वहां जाते ही आपका, जब जाएंगे आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो यह तीर्थ स्थानों पर जाने का फल है। हम अपने घर पे अगर रहते हैं तो आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें दो या तीन कमरे का फ्लैट होता है, उसमें लोग रहते हैं, तो उसमें शुद्ध वायु कहाँ से आएगी, सब जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड एयर है वहीं आते हैं। और आजकल आप जाएंगे तीर्थ स्थान जाएंगे तो वहां भी ऐसे कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे ही चीजों को तीर्थ स्थानों से दूर रखना चाहिए, ताकि कम से कम वहां पे तो व्यक्ति शुद्धता से रह पाए, और साल में या जब भी जाए तो उसको वहां पे जाने पे मन शांति मिले, वरना उसको लगेगा कि भाई यहाँ भी वही चीज हो रही है जो मेरे घर में हो रही है। तो कलयुग में हर एक धर्म धाम का इस तरह से देखिए तो एक तरह से बाहरी तरह रूप में पतन हो रहा है। तो ये हम लोग का ये होना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि कैसे पवित्र स्थानों को, तीर्थ स्थानों को बचाया जाए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं अर्च विग्रह के लिए कि भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर तथा उनके जैसे अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है, इस श्लोक में अनंत लिंग का प्रयोग हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान के जैसे ही होते हैं।
तो भगवान का जो विग्रह है और भगवान अभिन्न है, और भगवान में असीम शक्तियां हैं, तो असीम शक्तियां उस विग्रह में भी है। लेकिन हो सकता है कि वो विग्रह उनको प्रदर्शित न करे। लोग बोलते हैं अरे इतना भगवान ही ने तो अपने आपको बचा के नहीं दिया, हम मुसलमान लोग अरे लोग आकर के तोड़फोड़ कर दी। ठीक है, तो भगवान का जो अर्च विग्रह है वो अपना शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, वो आ रहे हैं हमको मौका दे रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। हाँ, तो बहुत सारे वैष्णवों ने भगवान की विग्रहों को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में ऐसे कई बार हुआ है कि वैष्णवों ने 1400-1500 वैष्णवों को क्या कहते हैं आक्रमणकारियों ने मार दिया, लेकिन फिर भी वो भगवान को बचा के रहना, भगवान के विग्रह को बचाने के लिए प्रयास किया। तो भगवान का विग्रह जो है वह है किस लिए है, वो आपको मौका दे रहे हैं उनकी सेवा करने का, आप उनको बचाएं, आप उनको पुत्रवत् स्नेह करें। अगर घर में कोई बच्चा होता है, छोटा होता है, तो आप उसको बचाने का प्रयास करते, आप ही नहीं बोलते कि तुम खुद से बचा लो अपने आप को, नहीं। तो ये विग्रह में वो सभी शक्तियां हैं लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करते। अर्चा की शक्तियां तथा भगवान के साकार रूपों की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर पत्र पेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। तो पहले तो होता था, आजकल होता है क्या ये सब पोस्ट ऑफिस? लाल पहले 20 साल पहले हम लोग लिखते थे, रहता था डाकघर, हम लोग ना लेटर वगैरह भेजते थे, आजकल तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, जरूरत ही नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन उदाहरण बहुत अच्छा है कि घर के बाहर जो या एक जगह पे पोस्ट बॉक्स रहता था, उसमें लोग डालते थे अपना पत्र, और हफ्ते में या दिन में एक आता था डाकिया, वो सब कलेक्ट कर लेता था और लेकर के फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता था। तो उसी तरह शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। तो जो शक्ति पूरा डाकघर का होता है, वहीं उसका जो लाल डब्बा होता है, बक्सा होता है, उसका भी वहीं शक्ति है। तो आपके जो पत्र है उसमें डालेंगे तो आपके जिस जगह पे भेजा है उस स्थान पे पहुंच जाएगा। तो वैसे ही अर्च मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम तक शक्ति प्रदान कर सकती है। तो ऐसा है कि भगवान अगर स्वयं जब आते हैं ना, जब वो लीला अवतार के रूप में आते हैं ना, और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, तो वैसी स्थिति अर्चा विग्रह के होने से भी होती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। तो वहां पर उन्होंने उनका मार्बल नहीं देखा, मेटल नहीं देखा, क्या देखा उन्होंने कि ये भगवान स्वयं है। अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात कर सके, अन्य किसी का नहीं। एक श्लोक आता है इसमें चैतन्य चरितामृत में कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह हर जगह भगवान का दर्शन कर सकता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति उसको प्रेम है, वो सबको भगवान से संबंधित देखता है। प्रेमान जना चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तुम हम भजाओ। तो हमारा जो आंतरिक भाव है वह अगर शुद्ध होगा, भगवान की सेवा करने का होगा, तो भगवान हमारे साथ वो आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। तब तक हमें भगवान की साधना भक्ति करते रहनी चाहिए, शुद्ध अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। तो वो जो भी कार्य कर रहे थे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी, वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहते। यद्यपि वे अवधूत के वेश में थे, न तो उनके बाल सवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो उन्होंने अपना शरीर का कुछ ध्यान नहीं रखा, बाल उनके बड़े हो गए थे और कपड़े भी गंदे हो गए होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे। और इस तरह से अपने जो बाकी जो उनके परिजन थे वहां पे रहते, उनको देखते भी थे तभी वो पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि पहले वो राजसी वेशभूषा में थे। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले, तीर्थयात्री का सर्वप्रमुख कर्तव्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है, उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन होना चाहिए। इस तरह से विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थयात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तो
हम लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाएं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। तो पूरा भ्रमण करते करते वो प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पे क्या हुआ, उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति और एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो उस वक्त तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, कौरवों का विध्वंस हो जाता है और पूरे पृथ्वी पर युधिष्ठिर महाराज का राज्य हो जाता है। प्रभास के स्थान पर उन्हें पता चलता है कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की तरफ बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तो कौरवों का भी अंत हो गया और जो यदुकुल था यदुकुल का भी एक तरह से नाश हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंत में इस तत्पर में कि इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। तो यह मेरा है तेरा है ना, अहम ममिति के कारण ही सारा संघर्ष होता है और एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है। तो जैसे जंगल में दो बांसों के रगड़ने से कभी भी चिंगारी होती है और वो उनको ही जला देती है, बांसों को जला देती है। तो ऐसे ही दो देश अब युद्ध करते हैं या बहुत सारे देश मिलकर युद्ध करते हैं तो एक दूसरे को ही वो क्षति पहुंचाते हैं और इससे क्या होता है, वो संपूर्ण जो विश्व एकदम ध्वस्त हो जाता है, जैसे कि जंगल में आग लगी वैसा हो जाता है। तो यह हम सबके मोह के कारण है। और अब इसका निवारण कैसे किया जाए, ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा बादल रूपी जल से ही बुझाई जा सकती है। जब जंगल में आग लग जाती है तो वहां पर आप पानी एक दो बाल्टी पानी फेंक करके नहीं बुझा सकते। यहाँ हमारे गुरुकुल में भी कुछ समय पहले ऐसा हो गया था, थोड़ा आग लग गया था, कुछ बाहर के लोग पूजा कर रहे थे और वो हवा के कारण फैलने लगे। तो हमने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर हमें बुलाना पड़ा फायर ब्रिगेड को, बड़ा बड़ा पानी का वो सब लेके आए और तब बुझाए। तो ज़्यादा नहीं बढ़ा था, वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो वो भी काम नहीं कर सकता। तो पूरे जंगल में आग लग जाए तो सिर्फ एक ही चीज उसको बुझा सकता है, वो है बारिश, वर्षा। हाँ, तो यहाँ पे जब संतों को, संत जो है कृपा रूपी बादल के रूप में आए और वो बारिश करें, तब इस संसार में जो ये अग्नि है, ये अहम ममेति के कारण जो युद्ध हो रहा है वह समाप्त हो पाएगा। तो जिस तरह से जंगल की आग केवल बादल के बरसने से ही बुझाई जा सकती है, वैसे ही यह सांसारिक अग्नि जो है वो संतों की कृपा के द्वारा ही बुझाया जा सकता है। क्योंकि वो आप बताते हैं कि सबसे पहला चीज बताएंगे, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम व्यर्थ जिन चीजों के लिए मर रहे हो वह एक न एक दिन चली जाएगी। तो कश्मीर है, कश्मीर के लिए जिन्ना और नेहरू लड़े, फिर इंदिरा गांधी और भुट्टो लड़े, इमरान खान मोदी जी हैं, फिर आगे कोई और आएगा। तो ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? तो जो व्यक्ति आप लड़ करके फिर आपका मृत्यु हो जा रहा है, बाकी सब अंधेर रह जाएगा। ये पूरा भगवान का है, हमें समझना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक दूसरे को जरूरी है कि भाई जो एक पक्ष है वो अत्याचार कर रहा है तो उनको रोकना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन यह तभी रुकेगा जब हम इसको समझ सकें कि कैसे ये संसार जो है भगवान का है, हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब तभी संतुष्ट होंगे जब भगवान की सेवा करें। इस जगह को प्राप्त करके यहाँ का धन है और जो पावर है वो प्राप्त करके हम कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकते। 50 साल पहले 100 साल पहले जो लोगों के पास आवश्यकताएं थी वो भी पूर्ण हो रही थी, आज भी पूर्ण हो रही है, लेकिन आज जो है ज़्यादा युद्ध है। कभी भी अगर एक जरा सा भी मतलब क्या कहते हैं एक जगह भी युद्ध होगा पूरे विश्व में युद्ध चालू हो जाएगा, और वो भी ऐसा कि परमाणु युद्ध होगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। तो यह सब जो बनाया गया है यह स्वार्थ के कारण लोगों ने बनाया है,
हाँ, कैसे हम ज्यादा ज्यादा भूभाग के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकते, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, एक ना एक दिन आपको भी छोड़ के जाना है। तो यह सब जब ज्ञान संतों से हम सुनेंगे और उस पर हम क्या कहते हैं अपने जीवन पालन करेंगे, तो हम भी इससे बच सकते हैं। अहम अमिति जो असली कारण है सारे युद्ध सारे ये भी समस्याओं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। फिर सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे और विदुर इन सबों पे गए और ठीक से कर्मकांड किए। फिर वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो भगवान विष्णु के अनेक मंदिर थे और वहां पे ऐसे प्रतीक अंकित थे जिससे कि भगवान को हम स्मरण कर सके। जैसे किसी मंदिर में जाएंगे तो ऊपर क्या होता है, चक्र होता है, तो उसको देखते हैं समझ सकते हैं कि भाई भगवान विष्णु का स्थान है। तो इससे व्यक्ति दूर से भी रहते भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकता है। और वो पश्चिमी भारत में गए और फिर वहां पे यमुना के तट पे वो उनका क्या हुआ, उद्धव से मुलाकात होती है जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस 28-24 श्लोक के तात्पर्य बीच में कि ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। तो कृष्ण के जो भक्त हैं वह कृष्ण को खोजते रहते हैं, यह भी प्रलंब भाव है कि भगवान को हमेशा ढूंढते रहना। तो वह उससे क्या होता है, भगवान का जैसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं वैसा ही आपको अनुभव मिल सकता है। ऐसा कैसे है इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जा सकता है। जो सही में शुद्ध भक्त प्राप्त हुए हैं वो ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि भगवान साक्षात हों, हम भगवान को खोज रहे हैं, भगवान के लिए हम लालयित हों सुख, तो वो दोनों स्थिति में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा ही भक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वह हे कृष्ण हे राधा रानी हे राम, हमको आप अपनी सेवा में लेना है। और जो उनके प्रमुख भक्त थे षट गोस्वामी, वो पूरे वृंदावन में भगवान कृष्ण को और राधा रानी को ढूंढते रहते थे। वो कभी नहीं कहा कि हाँ मिल गए मुझे। उनके गुणगान में एक श्लोक है कि हे राधे व्रजदेव के चललिते हे नंद सूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपाद तले कालिंदी वन्य कुतः। हे राधा रानी आप कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, क्या आप गोवर्धन के तट पे हैं। इस तरह से वो भगवान का नाम लेकर के उनको ढूंढते रहते थे। तो यह भक्ति जो है हमें अनुभव ऐसा अनुभव किया जाए, जब हम शुद्धता को प्राप्त होंगे तब हम ऐसा अनुभव कर पाएंगे। तो दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण और उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है। तो भगवान कृष्ण और कृष्ण का रिमेम्बरेंस, कृष्ण को स्मरण करना, जब आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो आप कृष्ण के संपर्क में, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सब अभिन्न है। तो जब हम कृष्ण का भी जैसे कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं तो हम भी कृष्ण के संपर्क में हैं, और समस्त जो बाकी चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। अभी अब जब भी कृष्ण कथा सुन रहे होते आप देखेंगे कि मन जो एकदम शांत हो जाता है, ठीक है बाहर क्या हो रहा है कुछ ना उसका अनुभव नहीं। तो यह कृष्ण कथा का, कृष्ण नाम का, कृष्ण स्मरण का यह दिव्य स्तर है। तो ऐसा हम दार्शनिक रूप से समझ सकते हैं। तो कृष्ण की स्मृति भगवान कृष्ण उनका परम स्तर पर होती है, और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा भक्तों को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। इसकी पुष्टि भक्तों ब्रह्म संहिता में जैसा हम श्लोक बता रहे थे, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम
तमहं भजामि। तो जो लोग भगवान श्याम सुंदर से भावाविष्ट प्रेम करते हैं वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति कारण सदैव अपने हृदयों में देख सकते हैं। तो विदुर तथा उद्धव दोनों ही उच्चस्थ भक्त थे, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से वो मिलते हैं। तो ये दो महान भक्तों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी को उद्धव को आलिंगन किया और भगवान के जो परिवार है उसके विषय में समाचार पूछा। तो उनको पता था कि वो लोग का इस धरती से वो चले गए हैं, फिर भी वो पूछना चाहते थे। उनको यह कहा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रश्न था, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे, तब भी विदुर के लिए यह समाचार एक बड़ा आघात था और इसलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। कई बार में पता होता है कि यह हुआ है, अरे सही में ऐसा हुआ उसने ना, बार बार हम उसको कि हो सकता है शायद गलत हमें मिला हो ये जो समाचार मिला है। तो यह जिज्ञासा जो है मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा है, यह उनकी क्या कहते हैं व्यावहारिक जिज्ञासा नहीं थी। तो अब जो है अभी 26 से 45 जो है इसमें हम सुनेंगे कैसे वो भगवान के यदुओं के विषय में पूछते हैं और कुरुओं के विषय में पूछते हैं, उनके कुशल क्षेम के विषय में। तो भगवान के जो परिवार वाले होते हैं भक्त होते हैं उनका कुशल क्षेम उनका सुख किसके ऊपर आधारित होता है, भगवान के सुख के ऊपर आधारित होता है। तो इसलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं भगवान के विषय में पूछ रहे हैं, भगवान के सुख के विषय में पूछ रहे हैं। 26वें श्लोक में कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान मतलब कृष्ण बलराम जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपदा में वृद्धि की है सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तो ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान आए थे, ब्रह्मा जब पृथ्वी माता जाती हैं उनके पास कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है बहुत सारे पापी राजा हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के जाते हैं क्षीर सागर पे और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान को ये उनके हृदय में आदेश देते हैं कि सभी लोग को बोलो कि यदुकुल में जन्म लो और मैं वहाँ पे आऊँगा और इन सभी राक्षसों का नाश करूँगा। तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पे आए थे, हम वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे भगवान क्या वो ठीक से रह रहे हैं, कृपया मुझे बतलाएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनों वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, अभी उनके पिता के बारे में पूछ रहे हैं। वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपने बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और पत्नियों के प्रति सदैव हसमुख रहते हैं। उनके पिता के विषय में क्या वसुदेव जी ठीक हैं, एक के बाद एक करके वो हर व्यक्ति के बारे में प्रद्युम्न के बारे में पूछ रहे हैं। हे उद्धव मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र के रूप में उन्हें उत्पन्न किया था। तो जो यदुओं के सेना है उसके जो सेनापति हैं यदुओं के सेनानायक प्रद्युम्न वो कैसे हैं। हे मित्र मुझे बताओ क्या सातवतों वृष्णियों भोजों तथा दाशरों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं। वे अपने राजसिंह सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया है तो वापस उनको राजा बनाया है ना, ये कंस को मार करके उन्होंने वापस उनको राजा बनाया। तो कृष्ण के जो यह कार्य है वो राजा उग्रसेन को राज सिंहासन बैठाए क्या वो राजा अभी कुशल मंगल से हैं, क्योंकि पहले क्या था उनके ही पुत्र कंस ने उनको जेल में बंद कर दिया था, तो क्या अभी वो कुशल मंगल से हैं। हे भद्र पुरुष सांब ठीक से तो हैं, वह भगवान के पुत्र सदृश ही हैं, भगवान के ही पुत्र हैं, पूर्व जन्म में शिव पार्वती के कर्म से कार्तिकेय के रूप में जन्मे थे और वही कृष्ण के अत्यंत सौभाग्यशाली पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि सभी देवताओं को कहो कि मेरे यदुकुल में जन्म लो, तो सभी जो देवता हैं कार्तिकेय हैं कामदेव हैं ये सभी आकर के यहाँ पे यदुकुल में जन्म लेते हैं। हे उद्धव क्या युद्धान कुशल से हैं, उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य कंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तो युद्धान के बारे में बता रहे हैं
कि वह सैन्य कला में बहुत ही अच्छे से उसने अर्जुन से सैन्य कलाएं सीखी हैं। फिर वो अक्रूर जी के बारे में पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे बताएं, 32वें श्लोक में बोलना है, सफल पुत्र अक्रूर ठीक से तो है, फिर भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है, उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तो एक बार अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन और जब जाते हैं तो भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान का जब चरण चिन्ह देखते हैं वृंदावन में, तो अपना उनको कंस ने भेजा था कि जाओ कृष्ण को और बलराम को ले आओ, तो जब जाते हैं देखते हैं कृष्ण के पद चिन्ह तो उधर भावविभोर होकर के वो उसमें ही लोटपोट होने लगते हैं। तो यह उनका दिव्य भाव था। फिर वो बोल रहे हैं कि इस जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आकार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के सदृश भगवान को अपने घर में धारण किया, वह देवकी कुशल से है। देवकी विषय पूछे क्या वह कुशल से है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है, वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से युग ऋग्वेद का कारण मन का स्रष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। तो अनिरुद्ध जो है वही महाविष्णु के रूप में अवतार लेते हैं और उनसे ही ऋग्वेद आता है, तो वह अनिरुद्ध क्या कुशलता पूर्वक है। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग तथा हृदिक चारुदेशना गद सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर, अभी उन्होंने यदुओं के बारे में पूछा, अभी वो कुरुओं के बारे में पूछेंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर तथा अर्जुन रूपी दो भावों द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तो अब दुर्योधन तो रहा नहीं, क्या वो अभी संतुष्ट हैं क्या अर्जुन और कृष्ण द्वारा आरक्षित महाराज संतुष्ट हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या विशले सर्पतुल एवं अजय भीम ने पापियों पर अपनी दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया? तो दुशासन, दुर्योधन और उनके जितने भाई थे उन सबको मार करके क्या उनका अभी क्रोध शांत हो गया है? गदा चालन के कारण के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वो उत्पत पर चल पड़ता था। इतने भीम का थे वो, इतने मतलब भयावह थे कि रणभूमि भी एक तरह से कांपती थी जब वो चलते थे। बहुत सारे जो कौरवों के सैनिक लोग थे उनको देख करके ही ना भाग जाते थे, इतने भयावह दिखते थे, क्योंकि पूरा रक्त से सना रहता था और दो आंखें उनकी जस्ट देखते रहते किधर है सबको मारने के लिए। अब अर्जुन के विषय में पूछ रहे हैं, कहता है मुझे बताएं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है, जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाली छद्म शिकारी के रूप में आए शिव जी को बाणों के बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तो किरात और अर्जुन के बीच हुआ था, जो किरात के रूप में शिव जी स्वयं थे और उनको प्रसन्न करते हैं अपने युद्ध कला से। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई सकुशल पूर्वक हैं? अब वो रोशनी कुमार नकुल और सहदेव के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वह पृथा पुत्र द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुण ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो दुर्योधन ने उनका साम्राज्य ले लिया था, अभी उनसे वापस उन्होंने छीन लिया है अपना साम्राज्य। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी जीवित है? कुंती के विषय में पूछ रहे हैं। वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो महानतम सेनानायक थे और जिन्होंने अकेले ही दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हे भद्र पुरुष, मैं अब उन्होंने पांडवों के बारे में पूछा, अब धृतराष्ट्र के विषय में बताया पूछेंगे नहीं, वो उनके बीच वो क्या करेंगे कि अपना व्यथा बताएंगे कि मैं उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो सुधर नहीं पाया, उसको बचा नहीं पाया।
हे भद्रपुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तो उसके पुत्र भी वो द्वेषी थे कृष्ण के, कृष्ण भक्तों के, और वो भी उन्हीं के मार्ग अनुसरण कर रहा था। तो मैंने उसकी इतनी सेवा की, लेकिन फिर भी उसने मुझे निकाल दिया। और बाद में चल के आप देखेंगे जब ये संवाद हो जाता है, जैसा पहला स्कंद में आपने देखा होगा कि विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र बहुत कठोर प्रचार करते हैं और उसको उस वहां से निकाल करके तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनका अपने भाई के प्रति हमेशा यह स्वभाव रहा कि कैसे उसको सही पथ पे लाए, भले ही वो उनकी बात नहीं सुन पाता था, नहीं करता था मोहवश। अन्यों द्वारा लक्षित रहकर विश्वभर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस कार्य पर कोई आश्रय नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो समर्थ लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। तो यहां पे बता रहे हैं कि जब भगवान की कृपा आपको मिलती है तो भले ही पूरा विश्व आपके विरोध में हो, फिर भी आप सुखी रह सकते हैं, क्योंकि वह उनकी महानता को जानते हैं और गुणगान में हमेशा लगे रहते हैं। कृष्ण भगवान होते हुए भी पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों को सभी प्रकार के पाप, उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वर्ष में होकर अपनी प्रबल सैनिक गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण देख रहे थे कि उनके भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पांडवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर भी उन्होंने सीधे सीधे प्रतिकार नहीं किया, और बाकी जो राजा थे उनका भी जो वो अन्याय कर रहे थे उसको भी सहन किया। इसलिए ताकि एक समय आए कुरुक्षेत्र का युद्ध करके वहां पे सबको एक बार में खत्म किया जाए, और वो ये भी चाहते थे कि इसका श्रेय किसको मिले, पांडवों को मिले, अर्जुन को मिले, क्योंकि वो अगर मारेंगे तो उतना गुणगान नहीं होगा, लेकिन अभी भगवान के जब भक्त अर्जुन उनका युद्ध करेंगे तो उनका नाम होगा कि देखिए कितने बड़े योद्धा थे वो, भगवान के संग रहते भले ही कम संख्या में थे, फिर भी उन्होंने इतनी महान सेना का नाश कर दिया। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों को समझने के लिए ही किए जाते हैं, अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी पे आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तो भगवान जब आते हैं तो उनका रूप भी जो है वह नित्य रहता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा नहीं कि वह माया शक्ति के रूप में आते हैं। बहुत सारे मायावादी वो बोलते हैं कि भगवान जो है सतोगुणी उनको शरीर मिलता है, नहीं, भगवान जो है हमेशा दिव्य रूप में रहते हैं, और भले ही आम पुरुष की तरह वो दिखें लेकिन वो उनके कार्य जो है सबके भलाई के लिए रहते हैं। तो वो सच्चिदानंद विग्रह भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का प्रयोजन सिर्फ धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार के लिए है। तो ये सभी जो तात्पर्य बहुत अच्छे हैं, इनको आप बाद में पढ़ सकते हैं, समय की कमी कारण यहाँ पे जस्ट ट्रांसलेशन ले रहे हैं। फिर आज का जो 45वां श्लोक है, आखिरी श्लोक लेंगे। तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपाना अवस्थिताना मनुशासनेस्वे अर्थाय जातस्य यदुश्रवजस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। तो इतना सब प्रश्न करने के बाद में वो कह रहे हैं कि अतः हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहितु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्तों यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो वह बोल रहे हैं कि आप अभी भगवान की महिमा का कीर्तन करो और
उनके बारे में बता रहे कि वो कैसे अजन्मे हैं और सभी जो शासक हैं उनके ऊपर वह अपनी आयतु की कृपा प्रकट करने के लिए आए हुए देने लाए और कहाँ आए यदुओं के परिवार में वह प्रकट हुए। तो इस तरह से वह यहाँ पे विदुर जी इनको उधर जी को प्रश्न करते हैं। तो कल हम आगे देखेंगे कैसे क्या उत्तर क्या होता है इसका, उधर जी के ऊपर क्या असर होता है और वह फिर आगे बताएंगे भगवान के विषय में। ओके, तो आज हमने देखा कैसे विदुर जी को अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा क्योंकि दुर्योधन ने उनका तिरस्कार किया। फिर वो पूरे तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते हैं कृष्ण का चिंतन करते हुए और आखिरी में वह उद्धव के पास आते हैं, मुलाकात होती है, उनको बहुत सारे प्रश्न करते हैं और भगवान का गुणगान करने के लिए वो निवेदन करते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे।